सर सालिदाम साईराम सर सालिदाम बेटा साईराम सर साईराम सर साईराम सर सालिदाम साईराम सर सालिदाम बेटा साईराम सर साईराम नाउ इज टाइम टू स्टार्ट साईराम सर ओ Sairam to one and all present here, and please keep your mic mute. Whenever I will call you by name, if I would like to ask anything from your side, listen to me carefully. First, because this is mathematics period, and by chance I got this period because of Mini Ma'am is on leave, so that's why I am taking this arrangement. And online arrangement is very easy. Take both the classes together. So this is good. Yes. Second thing about mathematics, both the sections are getting revision papers, old year's question papers, assessment paper. Aditi, give your attention here. What are you doing? Okay, so already you are getting question papers, old question papers of different topics and subtopics. Better to do these topics regularly, because it is very important for you to revise your work. And second thing, in coming assessment we will conduct Google form multiple choice questions based on mental mathematics. So it will help you to do that work with the help of these papers. Second thing, yesterday your language teacher posted a message in both the section regarding the Meghalaya and Manipur art dressing. Yes, sir. Yes, sir. She has been books to do this too. Yes, sir. The Nagaland and Manipur. The Nagaland and Manipur. नागालैंड एंड मणिपुर. अब ये क्यों बोला गया है और इसका क्या होगा आगे? हमारी क्लास में एक बच्ची है जो कि नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती है, एंड शी इज अरकार्बी, एंड वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, एंड शी इज लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट. व्हेन फर्स्ट टाइम शी केम टू दिस एरिया मध्य प्रदेश, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, she found so many different cultures of Madhya Pradesh, and because we are very much habitual with the Madhya Pradesh culture, but she was not habitual. Even when she visited her friends, neighbors, she found different types of dress, this dishes and different types of dresses. And when I saw the once Karbi's elder sister came to my house on my daughter's birthday, and number of girls from Assam, they started, I requested them to dance, do Assami dance, so they perform Assami dance. So we all people, those who were from Madhya Pradesh, were very happy to see that dance. Agar main आसाम जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं. मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जाता हूँ तो बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं. और वो लोग जब हमारे आते हैं, प्लीज कीप योर माइक म्यूट. वरुण नामदेव, आप लोग अपने घर में बातें करते हो, हमको सुनाई देता है. सो अब इन चीजों को जो आपने सौम्य सिट डाउन, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए काम नहीं आएगी आपकी इंफॉर्मेशन,
यह आपका मैथमेटिक्स एंड ईवीएस के लिए भी काम आएगा. दिस इज सीबीएसई प्रोजेक्ट. द डिटेल वी विल रिसीव डे बाय डे एंड वी विल कम्युनिकेट टू यू आल्सो. एंड हाउ कैन वी डू दैट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग आर्ट इंटीग्रेशन. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आर्ट इंटीग्रेशन कैसा होता है. ठीक है, देखिए, एक आपकी मम्मी ने एक चपाती बनाई, ठीक, और उस चपाती को आपने बोला नहीं, आई विल टेक इट विद द टोमेटो सॉस. ओके, सो आपने वो टोमेटो का जो मटेरियल है उसको एक बोल में ले लिया और एक चपाती ऐसे ऐसे आप खा रहे हैं. नाउ आई एम गिविंग यू दैट चपाती विद सॉस इन अ डिफरेंट मैनर. आई टेक द चपाती एंड पुट द मेक टू आईज विद द हेल्प ऑफ दैट टोमेटो सॉस, वन नोज वन माउथ लाइक दिस. अच्छा, चिल्ड्रन लाइक योर एज विल अट्रैक्ट टुवर्ड द फर्स्ट चपाती और सेकेंड चपाती. ओनली इंडिकेट, डोंट से सेकेंड चपाती, सेकेंड चपाती, सेकेंड चपाती, सेकेंड चपाती, सेकेंड चपाती. अरे बोलना नहीं है, इशारा करना है, फर्स्ट और सेकेंड, दैट इज सेकेंड चपाती. यस, अब हमारी जो कनक है वो एक ड्रेस खरीद के लाई और बड़ा प्लेन सा उसकी मम्मी ने व्हाइट कलर का एक उसके लिए फ्रॉक लेकर आई और सी डोंट लाइक टू यूज दैट फ्रॉक बिकॉज इट वाज टोटली व्हाइट. सो सी डिनाइड टू यूज इट. उसने मना कर दिया, मैं नहीं यूज करूंगी. तब उसकी मम्मी ने क्या किया, एम्ब्रॉयडरी करी, कुछ उस पर डिजाइन बना दी विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड्स, कलरफुल थ्रेड्स, सम फ्लावर्स, सम अदर थिंग्स, एंड नाउ सी इज रेडी टू यूज दैट. यस, आपने मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे देखा, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वाज द फिश टेल. क्या था? द फिश टेल. उसमें हम आपसे बोले कि यूज ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड देन मेक अ टेल, मेक अ फिश. तो यू कैन मेक इट. यस सर. उसका जो मुंह बनाएंगे वो ट्रायंगल से बना देंगे एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी उसको ओवल शेप भी दे सकते हैं आप. सो दिस इज समथिंग लाइक आर्ट इंटीग्रेशन. If you are getting my what I am trying to explain, if you understood, shake your hand. Very good. And if you don't understand, you can start dancing also. Okay. So this is good कि you understood. So जो भी आप information Nagaland Manipur की collect करेंगे, हमारा त्रिनंजय भी तो है आसाम का. वो थोड़ा सा क्या है कि बोलता कम है लेकिन समझता बहुत ज्यादा है ना बेटे. वो आता है और चला जाता है, थोड़ा सा शर्मीला है लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है. तो ये भी हमको इंफॉर्मेशन. यस, कार्बीज आल्सो इन असम. यस दीदी, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द बिगनिंग व्हेन यू वर डूइंग सम अदर वर्क. So, ये सारी इंफॉर्मेशन इन इधर के कल्चर की. अच्छा, फिर नागालैंड और मणिपुर वाले कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वो किसके कल्चर को बेस्ड करेंगे, मध्य प्रदेश के कल्चर को बेस्ड करेंगे. बात आ गई समझ में आपको. तो हम किसका कल्चर सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे, नागालैंड एंड मणिपुर, एंड दे विल लर्न अबाउट मध्य प्रदेश. It is clear to all. This is the project. तो ये सारे subject में काम आएगा आपको. Is it clear to all? Okay. Now, at the end, I will talk to you about the EBS also. So,
Yatind, remind me after half an hour. Okay, not half an hour. After 20 minutes, at 10:30, you remind me about the EBS project work. Okay? Yes, sir. Good. Now, about the mathematics. You all know about the telemarks? Okay. Yes, sir. Now, Tanvi, you unmute yourself. Acha. I am asking this question to Tanvi only. Ki why we use telemarks, bar graph, or pie chart? Sir, because we tell us. Okay, Nakshat. Yes, sir. We use telemarks, pie chart, or bar graph because it's a group of five sticks, and with the help of that, we can count easily the large numbers. Okay, very good. Anybody of you? Yes, Aditri. Sir, we use bar graphs to compare things. Okay. Anybody? Alankrita? Sir, we use bar graph telemarks to understand the meaning of a smart chart. Okay, Vikas Mina? Laksh? Sir, we use telemark or bar graph to represent the data which we collected. Very good. Yes, Laksh answer is 100% correct and Aditri answer is 50% correct. We use these telemarks, bar graph, pie chart just to represent the data collected. Okay. Now, remaining things. Actually, if I am asking you some question and you are giving, we all class 5th students, both the sections are going for a picnic, not virtual picnic, real picnic. If you are interested, you can raise your hand. Okay, and Devesh sir is going with you. And now I gave one responsibility to Yashmit, and one responsibility to Karbi to ask. Karbi will ask to the girls, and Yashmit will ask to the boys what they will ask. Which fruit they like, because Devesh sir will provide us one fruit in the picnic. Okay? Achha, usse pehle Devesh sir ne pucha, to Devesh sir ne kaise pucha? Ki roll number 1 ko kya pasand hai, 2 ko kya pasand hai, hamari Pihu ko kya pasand hai, jisko bahut thand lagti hai, शाश्वत को क्या पसंद है, अरण्या को क्या पसंद है, और देवेश सर लिख रहे हैं, शुरू से लिख रहा है, लंबी लाइन बना दी देवेश सर ने, हे भगवान। सो इतना करने के बाद देवेश सर तो परेशान हो गए। अब मेरे पास यशमित आया और उसने मुझसे पूछा कि सर कौन कौन से फ्रूट्स देना चाहते हैं आप। तो मैंने पूछा कि पहले आप पता करिए कि बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स पसंद हैं। तो यशमित ने जितना भी सोचा उसने पूछा क्या, अब यशमित ने भी एक गलती कर दी। यशमित फिर सबके पास गया, तांजिल आपको क्या पसंद, अलंकृता, अंश, आयुष, अदित्रि, दिशा, विकास, सिद्धिका, सृष्टि, सानवी, सबसे पूछ पूछ के वो परेशान। अच्छा, एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स की किसको दी थी मैंने? कार्बी ने क्या किया कि इसी तरीके से सबसे पूछा और उसने एक चीज करी। कार्बी ने वो क्या काम किया, कार्बी ने लिखा
बनाना बनाना, तो कार्बी ने लिखा बनाना और उसने काउंट कर लिए बनाना कितने बच्चों को पसंद है, वो बच्चे ऑलरेडी यशमित को बता चुके थे, तो कार्बी रिटर्न 20 बनाना, 20 चिल्ड्रन लाइक टू ईट बनाना। एप्पल 10 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट एप्पल। मैंगो 15 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट मैंगो। सो ही मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज। व्हाट सी डिड, सी राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग हर वर्क मोर डिफिकल्ट। देन टीचर सजेस्टेड डू समथिंग। So what she did? She made a column. First column, name of the fruit. Banana, apple, mango, orange, like this. In second column, number of students. So those who like banana, she write 10. Those who like apple, write 20, like this. Okay, is it clear? And she show me. Usne mujhe dikha di. I asked Karbi ki discuss with your friends Aditri and Adrita and make it more clear. Okay, then what she did? She did bar graph, banana, sabse tall bar aa gaya banana ka, sabse ucha. Apple, this much. Orange, this much, like this. So now when the group of girls and boys show me that table, so I decided, yes, most of the children like to eat bananas. This is the way to represent data and to study the data easily. अगर आपके सामने बार ग्राफ का एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है तो आप सभी लोग एकदम से देख के बता सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाला फ्रूट कौन सा है, सबसे कम पसंद और सबसे कम पसंद आने वाला फ्रूट कौन सा है, ये हम इजीली बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो डेटा प्रेजेंटेशन मेक्स आवर टास्क इजियर, मेक्स आवर टास्क इजियर। अब चपाती चार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई चार्ट और चपाती चार्ट। अब आपको मैं सबको बताता हूँ, आप एवरीबडी विल राइट इन हिज और हर नोटबुक, रफ नोटबुक। ओके, यू राइट क्रिकेट, लिखते जाइए क्रिकेट। सर 2 मिनट्स। सर व्हाट इज क्रिकेट? गेम्स। ओके, क्रिकेट गेम। क्रिकेट लिख लिया? यस सर। क्रिकेट इसके सामने लिखिए, इसके सामने लिखिए 20। सर लिख लिया। नेक्स्ट गेम फुटबॉल। ट्वेंटी फाइव। थर्ड गेम, यशमित लिख रहा है कि नहीं? गुड। नाउ थर्ड गेम वॉलीबॉल। सर स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, स्पेलिंग खुद ढूंढो, स्पेलिंग वॉलीबॉल 15। बैडमिंटन 5। अच्छा यतीन्द्र, इन सब का टोटल करो कितना हो गया? यस अदित्रि सर 65 स्टूडेंट्स। और ऐड करो खो खो, खो खो
थर्टी लॉन टेनिस फाइव नाउ टोटल इज 78 30 आई डिडंट से 13 इट वाज 30 30 100 Yes. Now a group of 100 children. Yes. Now I am asking. Yes, sir. Beta Saloni. Yes, sir. ये बताओ कि कितना percentage of student cricket पसंद करते हैं percentage. पूछ रही है सर कहना है श्योर आउट ऑफ 100 कितने बच्चे 20 हाँ सो 20% चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट यस यस लाइक दिस बिकॉज आर टोटल नंबर इज 100 सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू play cricket is 20 so its percentage will be 20% understood now second thing make a circle fast sir ho gaya compass hai aapke paas use sir yes sir hai yes sir hai very good yes sir You compass. Sir, after completing. Use compass. Sir, how many centimeters? मेरा खाता geometry box. It depends on you. And now make different sector of different games. About approximation. In this video, we will learn the line. Currently, children spend an average of 5 hours and 20 minutes on the phone. Completed? No, sir. Abhi bana. No, sir. ये जितने बच्चे इस समय मोबाइल में लगे हुए हैं अद्रिता Yes, sir. Completed. What are you doing now? Sir, I'm making the pie chart. Okay, good. Sir, make it. Just 1 minute. Sir, completed. Okay, if completed, you can show me. Sir, completed. Okay, show me. Yeah. Sir, keep your camera on, then only I can see. Sir, yeah, very good, very good. Sir, very good. Sir, very good, very good. हाँ नीचे करते जाइए. अरण्य नीचे कर लो, सलोनी नीचे कर लो. अदित्री का कुछ नहीं दिख रहा है. कार्बी डाउन, सिद्धि का डाउन. सर आप सही है. हाँ ओके. Yatin down. Sir, my. Sir. Sir. Yatin. Yes, sir, yes, very good. Sir, Yatin. Yes, sir, yes, sir. Okay, down, down. All of you down your work. Yes, sir. अब मैं पूछूंगा मधु दिखाइए
Mradul. Yes, sir. Show me your pie chart. Sir, अभी मैं percentage लिख रहा हूँ. Okay, Tanvi down, Tanjil down. Soumya. Sukri down. Swar. Siddhi. Sir, Soumya. Sharma. Yes, Soumya. Okay, sir, down. Alankrita. Yatindra. यस 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 देख लिया ना यतीन्द्र अलंकृता का बहुत पहले देख लिया अब वेरी गुड पीयू वेरी गुड नाउ नाउ यू गिव मी आंसर्स आर्यन आर्यन इधर ध्यान दो यस सर यू कंप्लीटेड दैट वर्क यस सर नाउ गिव मी आंसर विच गेम Like the most by least number of students. इतना टाइम लगेगा तो फिर बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस सर बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस बैडमिंटन 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 एंड लॉन टेनिस One more question we can make कि name two games. Which liked by the equal number of students? Badminton. अब ये देख के आपको पसंद आ गया? Yes sir. अच्छा. Then you can give answers easily. अच्छा which game? Like by most of the students, maximum number of students. So these are the questions. बेटा disturbance आएगी क्योंकि हर एक बच्चा अपना माइक खोल के बैठा हुआ है नक्षत्र का माइक बहुत देर से खुला है सिद्धि का हमेशा रेडी रहती है बोलने के लिए अगर सब बोलेंगे तो मैं चुप हो जाता हूं इसलिए आप चुप रह करिए जिससे पूछे वही बताएगा सो विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट वी कैन गिव आंसर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स इजीली क्विकली जिसका जितना बड़ा सेक्टर उतने ज्यादा लोग उसको लाइक करते हैं गेम्स को खेलते हैं ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ Any doubt regarding how to make tally marks? No, sir. Okay. No, sir. Now see. No, sir. Thank you, no, sir. Hello, children. In the last video, we learned about approximation. Approximation का मतलब होता है लगभग approximate. By some interesting examples. Nowadays, all the children in Champapur are seen using the phone throughout the day. जैसे आप दिन भर मोबाइल यूज करते हैं ना उसी तरीके से चंपापुर के बच्चे भी बहुत मोबाइल यूज करते थे सर आप प्लीज फुल स्क्रीन कर दीजिए आप उनके पास सबके पास एक एक्सक्यूज था टीचर ने काम दिया है rectify this problem but only he told the children that he would record the average time spent on the phone by the children so uncle ji decided ki I will note down the average time spent by the children on mobile every 4 days after 24 days if there is any reduction in the time spent on the phone by the children Then they will take all the children on a trip. Uncle has made a chart for this. Uncle has shown the number of hours on the vertical line of the chart and the number of days on the horizontal. This is one of the chart. This is also a representation of data. One line, two lines are there. The baseline is horizontal line and vertical line. Where number of hours are written.
line. Days written on horizontal line. And you can use this kind of square paper or chart graph paper. Children spend an average of 5 hours and 20 minutes on the phone every day. This is shown by my uncle making a point on the vertical line in this way. ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको करना नहीं. Now, uncle started recording. Uncle recorded the time spent on the phone by the children for 24 days. 24 days are over. देखो आप 24 days की जो red line आपकी दिख रहे हैं, red spots coming down, मतलब number of hours using mobiles coming down day by day. Yes, beta. Yes, sir. In the beginning, it was 5 points something. Yes, sir. At the end of 24 days, yes. It is only 1 hour. To find out between which days the time spent on the phone by children has been cut the most. Children, can you find the answer to this question by looking at this chart? If you want, you can find the solution. सबसे ज्यादा डाउन किस डेज में हुआ है? The heights of the dots of 20 and 24th days is the highest. Hence, the याद देखो बेटा, number of hours how fast decreases from 20 days, 20th days to 24th days. Most time spent on the phone by children. Between the 20 and 24th days, there is a cut of 1 hour and 30 minutes. Yes. Approximately how much time did the children spend on the 10th day on the phone? This is 10th day. Can you find an answer to this question, children? In this way, we can find a solution by connecting the dots of the 8th and 12 days in a straight line. The vertical line on the 10th day is meeting this horizontal line at this dot, indicating about 3 hours and 40 minutes. So, the children must have spent about 3 hours. So, this was all about the presentation of the class. Data's and its presentation. Let me complete. So this was one line graph. और आपने देखा होगा टीवी पर कि कैसे how temperature is coming down day by day. Yes, this is the study of data's. If suppose we started counting temperature from 1st day of December to 31st of December. Number and I asked you to draw a graph, so you can easily draw, you can conclude ki from 17th to 20th of December there was a slight fall or more fall in temperature. Is it clear now? Yes, Yatin. Sir, it is 10:30. You give me work to tell you that you have to tell about EVS. Okay, it is now 10:30. It is now 10:33 in my clock. No problem. Okay. Yes, sir. अभी आप लोगों के पास मैथ्स का वर्क है दोनों सेक्शन में. Yes, sir. ए सेक्शन का ए सेक्शन की लास्ट डेट है 27th और बी सेक्शन की लास्ट डेट है 26th. Now I will give you the work of EBS. After 27th, okay? Is it clear? Now, अब मैं आपको क्या काम दूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं. Okay, ये काम जो भी होगा मैथ्स का या ABS का, ये छोटी सी, सर मेरे पास एक डायरी है उसमें कर लूं, सर मेरे पास इतना सा एक पेपर है उसमें कर लूं, सर मेरे पास तो इतना बड़ा पेपर है बहुत बड़ा उसमें कर लूं, नहीं.
किसमें करना है? बेटर टू यूज ए फोर साइज पे ए फोर साइज पे वेरी गुड। उसको करने से क्या होगा कि जो आप काम करेंगे वो सिस्टमेटिक काम आपका नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए उस फाइल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आपको ईवीएस में क्या करना है? ईवीएस में मैं आपको कोशिश करूंगा आज या कल आपको क्वेश्चन चपाती खानी है टोमेटो चटनी के साथ। मैथ्स का काम टीचर ने दिया है ना नक्षत्र? दिया कि नहीं बेटे? सर दिया है, सर दिया है। नहीं नक्षत्र से पूछ रहा हूँ, नक्षत्र पूछ रही थी क्या करना है मैथ्स। अभी बेटे आपको बताने के साथ मेरा नेटवर्क बंद हो गया था। ओके नहीं मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने वही रिवाइज किया है जो आपके टीचर ने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको ईवीएस का काम बता रहा हूँ और मैं ये बोल रहा था कि मैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के क्वेश्चन आंसर्स आपको आज या कल में भेज दूंगा, तो नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक आल्सो। ओके नाउ आई एम शोइंग यू वन वर्क रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर दिस चैप्टर। यू आर एबल टू सी दिस? There are number of questions based on activities. Don't give answers. Only read. Don't give answers. And mute your mic. All of you mute your mic. Arav, Lankrita, Soumya, mute your mic. मेरा उधर से म्यूट है, आपको दिख रहा है म्यूट पर मेरा म्यूट। यस सर मेरा माइक भी म्यूट। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन योर हैंड वाज क्लोज टू योर माउथ डिड द एयर फील वार्म व्हेन यू ब्लो ऑन इट? सेकंड क्वेश्चन, व्हेन योर हैंड वाज अवे फ्रॉम योर माउथ डिड द एयर फील कूलर व्हेन यू ब्लो ऑन इट? व्हाट डिड यू सी व्हेन यू ब्लो लाइटली इनटू द बलून? What did you see when you blew more air into the balloon? What did you feel when you loosened the mouth of the balloon to let out the air? What did you see when you blew air on a mirror? So this is very simple. Simple questions because you already did this activity. अब इसके बाद जो काम है, ये first काम हो गया. Second work, paper snake. How many of you made paper snake? Raise hand. Raise hand only. अपना हाथ उठाएंगे। हाँ सिद्धिका ने नहीं बनाया, सौम्या ने नहीं बनाया, शौर्य ने नहीं बनाया, नक्षत्र ने नहीं बनाया और जितने भी कैमरे ऑफ बनाया है तो हाथ नहीं उठा दी। हाँ सो अगर नहीं बनाया होगा तो ये गड़बड़ बात है। और अच्छा कितने बच्चों ने उसको वो एक्टिविटी भी करी है यूजिंग वन कैंडल फोर कैंडल ऑन अ बर्नर? किसने किया है? सर वो उसने कितना पतला बना सर, मैंने करने जाओ वैसे वो लग जाता था और फट जाएगा फिर वो। नहीं आप उसको दोबारा बनाइए, आप उसकी थिकनेस को बढ़ाइए। ओके सर आपको बनाना तो है ही सर। मार्कने सर बोलो सर, मैंने स्नेक बनाया था लेकिन वो बन नहीं रहा। नहीं वो आपको बनाना है, बन नहीं रहा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं बन रहा सब बनता है। मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा जिसमें पूरी एक्टिविटीज का डिटेल दिया था, ठीक है। तो आपको स्नेक बनाना है, उसकी एक्टिविटीज करनी है और चारों में उसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग और किस किस का आप उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड योर ऑब्जर्वेशन, कैसे एक्सप्लेन करना है और ऑब्जर्व आपने क्या किया है, ठीक है बेटा। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ये मैं सब आपको लिखकर भेज दूंगा आपके
अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं होगा यस देन आई विल पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यस अदिता सर, आई डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग। ओके, एनी डाउट? नो सर। नो सर। यस सर, देयर इज नो डाउट सर। नो डाउट। मैंने बनाया था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। नहीं तो आप दोबारा बनाइए और वो वर्क करेगा। ओके सर, देयर इज अ डाउट। यस अदित्रि सर, व्हाट इज द लास्ट डेट टू सेंड ऑल, मतलब टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज, ईवीएस एक्टिविटीज? यू टेल मी व्हेन यू वांट टू फिनिश इट। आई विल पोस्ट इट ऑन 26th or 25th I will post it, and 31st is the last date. Yes sir. Third day yes, after, sir. I will post it today or tomorrow, and last date will be 31st. Okay sir, I want to send you all these activities. Okay sir. Pardon Aditri? Sir, do we have to send you all these activities? Yes, aapko video nahi bhejna hai, आपने जो पेपर पर इसकी भी फाइल बनाकर आप मुझे उसको एक साथ सारे पेजों को भेजेंगे ऑन माय पर्सनल विंडो व्हाट्सएप नंबर विद योर नेम एंड सेक्शन। ओके सर, पीडीएफ भी बना सकते हैं सर। सर यस 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 सर, हम लोग को एक्टिविटी करवाई थी वो कोड वाली, वैसे हम लोग को एक A4 साइज पेपर में इसको करके हम लोग पहले खुद से करेंगे, उसका A4 साइज पेपर में उसके बारे में लिख के भेजेंगे कि हमारा क्या आया उसके बारे में। मैं आपको एक्टिविटीज में क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर, सेकंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। आप व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, एंड देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन। जैसे हम देखते हैं कि व्हेन वी पुट स्नेक पेपर स्नेक ऑन दिस बर्नर तो वो बहुत तेजी से बहुत तेजी से बिकॉज़ व्हाट इज कंक्लूजन बिकॉज बर्नर फ्लेम रिलीज मोर हीट इन कंपैरिजन टू सिंगल कैंडल। अब उसी स्नेक को व्हेन वी पुट अंडर द फैन तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है। जब हमने बर्नर पे रखा था तो वो क्लॉकवाइज कर रहा था क्योंकि नीचे से ऊपर हॉट एयर जा रही थी, और जब फैन के ऊपर रखा तो देन एयर कमिंग डाउन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स। इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी Happy winter. Thank you, sir. जाओ 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 घर के काम करो कुछ। देवी सर रिकॉर्डिंग बंद करके ही नहीं गए। सबरीना कॉल में